नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत नालंदा से करेंगे। लॉकडाउन को लेकर जिले से प्याज का निर्यात नहीं होने से प्याज के कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। बिहार शरीफ के टिकुली पर आसानर मोहल्ले समेत कई जगहों के किसानों को खरीदार नहीं मिलने से प्याज फेंकने को मजबूर है। किसानों की माने तो कुछ दिन पहले तक प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा था। इस कारण किसानों द्वारा जिले में अधिक प्याज की बुआई की गई थी, उत्पादन भी अच्छा। इसी बीच लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसके बाद शुरुआत में लोग आपाधापी में प्याज को स्टॉक करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे कीमत में गिरावट आने लगी। बिक दिए हैं, किस कारण बिक दिए? कोई रेट नहीं देखो तो बिक दलिया, कुछ करिए कोई ले ही वाला नहीं है, वो सर गला है, इतना पूंजी लगल है, बिक दलिए। प्याज का कोई खरीदार नहीं है? कोई नहीं खरीदार है। क्या नाम है आपका? मसौढ़ी महिला छात्रावास में रह रहे प्रवासी मजदूरों को मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार और इसके साथ ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार के निर्देश पर योगा कराया गया। वह इसके साथ ही योगा से होने वाले फायदों को भी बताया गया कि योगा करने से तन मन और शरीर में फुर्ती आती है। इस योगा का अभ्यास शिक्षक दीपक कुमार के द्वारा कराया गया। सूबे में बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर पुण्यार्क कला निकेतन के कलाकारों ने पंडारक में सड़कों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कलाकारों ने अपने नाट्य कला के माध्यम से सड़कों और गांव के गलियों में घूमकर सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक किया और इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। बढ़ता ही जा रहा है कोरोना छा जाएगा कोना कोना, अगर मनुष्य लापरवाही बरतते रहेगी कोई उपाय नहीं है महाराज, कोई उपाय नहीं है। WHO ने कहा है ये समाप्त नहीं होने वाला। हाँ महाराज, हाथ उठा दिया। हाँ महाराज मैं हूँ यम, यम हूँ मैं, मेरा दूध है कोरोना। महाराज क्या कर रहे हो? महाराज कहाँ छुप जाते हो? महाराज मैं तो देखने गया था। क्या कोरोना भी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पूरा फैल रहा है या नहीं बिहार में? इतना प्रॉब्लम कहाँ बिहार में सरकार? हाँ बिहार में, बिहार में। हाँ महाराज बिहार में कोरोना का। कोरोना वायरस जैसे महामारी ने देश विदेश से लेकर भारत तक के लोगों में दहशत पैदा कर दिया है, जिसका सीधा असर देश भर के विभिन्न राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूर एवं कामगारों पर पड़ा है। आपको बता दें कि गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा पर बने बलथरी चेक पोस्ट पर लगातार प्रवासी मजदूरों का गोपालगंज आना जारी है, जिनका जिला प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं स्क्रीनिंग कर उन्हें उनके गृह जिला भेजा जा रहा है। वहीं सारण कमिश्नर रॉबर्ट एल चोंगथू ने वहाँ की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यहाँ की व्यवस्था क्या है और ये प्रवासी लोगों का अब आवागमन थोड़ा सा संख्या बढ़ रहा है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ के तैयारी का निरीक्षण कर रहे हैं। DIG साहब मेरे साथ आए हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त संख्या में सारे तैयारी यहाँ रहें और किसी को कोई परेशानी ना हो और सही ढंग से इसका प्रबंधन हो जाए। बंगाल और हैदराबाद से पिकअप सहित अन्य सवारियों के माध्यम से 2 दिन पूर्व आए प्रवासी मजदूरों ने अनुमंडल अस्पताल में थर्मल स्क्रीनिंग नहीं करने और क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर 1 दर्जन से ऊपर मजदूरों ने अनुमंडल कार्यालय पहुंच शिकायत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने अंचलाधिकारी को अविलंब प्रवासी मजदूरों को समुचित सहायता दिलाने का निर्देश देते हुए इसके लिए रिटेनर अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह को प्रतिनियुक्त किया, जिसके बाद मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग कर सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। अभी हम दलसिंहसराय अनुमंडल कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे बंगाल और हैदराबाद से दर्जनों प्रवासी आए हुए हैं और इन्हें अस्पताल, ये लोग अस्पताल गए थे परंतु वहाँ पे किसी प्रकार की जांच नहीं की गई और वहाँ से PSC बोला जाने के लिए PSC में भी जांच नहीं की गई। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये कब आए थे और कैसे आए हैं। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है? ये कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद। कब आए थे? कल आए। कल शाम में आए या फिर दोपहर में आए थे? दोपहर। तो यहाँ पे क्या कहाँ पे पहले गए थे आप? पहले गए थे उधर अस्पताल में गए। जोर से बोल रहे उधर से मतलब कि नहीं हुआ है, उधर से बड़ा गया गया गाँव गया, उधर भी अलग करके रखा गया है, उधर से फिर इधर है। गांव में कहाँ पे रखा गया आपको? गांव में अलग घर पे नहीं गया। जांच कराई तो यहाँ से जांच हुआ है कुछ या फिर पूजा कटा है क्या? छपरा में जांच हुआ। यहाँ दलसिंहसराय में किस प्रकार का कोई जांच? नहीं, दलसिंहसराय में किस प्रकार का जांच नहीं। कहाँ से आया? कलकत्ता से। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई व्यवस्था किया जांच का? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बड़ा वार्ड वहाँ सरकारी अस्पताल वहाँ पर्ची मिलेगा, वहाँ पर्ची मिलेगा, उसके बाद चला जा कॉलेज सी एच अरबी कॉलेज, वहाँ गए तो वहाँ से कुछ उपाय नहीं है। रात हो गया, 11 बज गए, यही रात भर हमें तक भर रात बैठे अस्पताल में। अस्पताल में रात भर बैठे, सुबह बोला चले जाओ वहाँ अजमल बापर, वहाँ तुमको वहीं चेक होगा। वहाँ गए रास्ता में कलकत्ता से कैसे आए थे आप? पिकअप से, पिकअप करके आए थे। अनुमंडल अस्पताल कहीं भी आप लोग का जांच नहीं हुआ? जांच हुआ यहाँ नहीं हुआ। ये कहाँ पे आए हैं आप लोग अभी? अभी घर भी नहीं है, घुस रहे हैं। ये स्थान कौन सा है यहाँ पे? अनुमंडल घर कहाँ है आपका? मौलवी छकनावादा। कितने? और सबसे जब पूछने का प्रयास किया तो ये लोग बताए कि मैं 12 तारीख को ही, कुछ लोग बताए बंगाल से आए हैं, कुछ लोग बताए 5-6 लोग, कुछ आधा दर्जन बताए हैदराबाद से आए हैं, और बता रहे थे कि मैं 2 दिन से अस्पताल का जांच के लिए चक्कर लगा रहा हूं, जो PHC दलसिंहसराय बोलते हैं अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय जाओ, वहां से बोल रहे हैं ये लोग, बता रहे थे कि PHC जाओ। फिर इन लोगों को बोला गया क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए। फिर अभी जैसा आपको भी बताया गया है, ये लोग जब वो क्वारंटाइन सेंटर गए तो इन लोगों को वहाँ से फटकार दिया गया। गांव जब जा रहे हैं तो गांव से भी इन लोगों को गांव में नहीं किया करने दे रहा, लोग बता रहा कि जाओ पहले। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फैल है यहाँ पे। हाँ वही बताई गई, लेकिन जब विधिक सेवा समिति की ओर से पूछा गया तो अभी वहाँ के कार्यालय सहायक से जब मैंने संपर्क किया, वहाँ जब जानकारी मिली तो यहाँ के अंचलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बोला इन लोगों को अपने स्तर से विधिक सेवा समिति के माध्यम से ही इन लोगों को भेजा जाए PHC, वहाँ जांच करके यथासंभव जो भी सहयोग होगा वो सरकार की ओर से दी जाएगी, ऐसा CO साहब बताए हैं। अब फिर जो भी मतलब बाहर से आ रहे हैं प्रवासी, तो उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था अनुमंडल अस्पताल या PHC में जाँच की गई है या नहीं? नहीं नहीं, इन लोगों के से स्पष्ट आप भी बयान लिए हैं, देखे हैं लापरवाही बरती जा रही है। सरकार की योजना जो भी है या जो भी सरकार का लक्ष्य है उसको ये लोग दरकिनार कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। ये लोग 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं। कितने बजे रात तक आप लोग हॉस्पिटल में रहे थे? रात भर रहे अभी इनका सुन लिया जाए। कितने बजे तक रहे थे आप लोग? रात रहे। कहाँ? हॉस्पिटल में। क्या कहा गया हॉस्पिटल में? क्या क्या बोला कि जाओ वहाँ अजमल बापर, वहाँ चेक इन होगा। तो जाँच हुई आपको? नहीं हुआ। अस्पताल जाँच की आपकी? नहीं किया। इन प्रवासियों के ज्ञान से ही लग रहा है कि सरकार कितना लापरवाह और यहाँ के अधिकारी कितना लापरवाह। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, पहला लगभग खाना अभी तक नहीं दिया, खाना नहीं दिया सारा रात हो चला। वो भी भगा रहा था कि यहाँ से जाओ हॉस्पिटल में भगा। हाँ भगा रहा था। बोलो यार सरकार कैसे, हम लोग आए प्रदेश से आए हैं, जब हम लोग जाँच जमीवाज करवा के आए यहाँ, जब गया गाँव में, गाँव से वहाँ सब मिलकर भगाया वहाँ से, फिर प्रशासन को बुलाया वहाँ से, यहाँ बोलो तो बोले आरजी कॉलेज में जाओ, वहाँ से फिर भगा दिया, तो फिर गए CH में, CH में से भगाया, तब बोला कि चलो ब्लॉक में चलो। अब यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे? मतलब सब जगह टालमटोल किया जा रहा है। हाँ चारों पट्टी ना खाने के लिए कुछ नहीं, खाली कहो भागो जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ। बिहटा में मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलट गई। पिकअप वैन में 29 मजदूर सवार थे। बिहटा इलाके के नेवरा ओपी के राजपुर गांव के पास ये हादसा हुआ। इस हादसे में लगभग आधे दर्जन मजदूर जख्मी हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वैन महाराष्ट्र से 29 मजदूरों को लेकर पटना की तरफ जा रही थी, तभी पटना बिहटा रोड पर नेवरा के राजपुर गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन गड्ढे में पलट गई।
मुंगेर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सभी श्रमिकों को प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरे में दो दो गज की दूरी पर खड़ा कर लाइन में लगाया गया। एक एक प्रवासी को नगर निगम के कर्मी द्वारा सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइजेशन के बाद सभी प्रवासियों की इंफ्रारेड थर्मामीटर से बुखार की जांच की गई, जिसके बाद सभी का निबंधन करते हुए संबंधित जिला के लिए खुलने वाली बसों में बैठाया गया। कोसी दियारा क्षेत्र के कुख्यात व हत्या रंगदारी जैसे मामलों में वांछित इनामी अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हाथों में हथकड़ी पहने ये दोनों कोसी क्षेत्र के कुख्यात 50,000 रुपए का इनामी पारो यादव और 25,000 रुपए का इनामी सरविंदर यादव है, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे अरसे से थी। वह इन दोनों के पास से एक रेगुलर राइफल सहित गोली भी बरामद किए गए हैं। उसी दियरे क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से काफी गैंगवार चल रही थी, जिसमें एक गैंग अभी हाल ही में मृत हुए एक आपराधिक घटना में रामानंद यादव उनकी थी और एक गैंग पारो यादव उनकी थी। पिछले माह रामानंद यादव की हत्या हुई है। उसी हत्या के आलोक में जो हम लोगों का एसटीएफ की चीता टीम है एसओजी वो लगातार काम कर रही थी और उसके साथ जिला पुलिस भी लगातार रेड सर्च एवं एरिया ऑपरेशन चल रहा था और इसी आलोक में आज सुबह एक इंट प्राप्त हुआ। उस इंट के आधार पर जो हम लोगों के एसटीएफ की टीम है और सदर थाना की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया यहाँ टाउन थाना क्षेत्र में और सुबह एक व्यक्ति हैं पूर्व मुखिया हैं उनके यहाँ रेड की गई। वहाँ से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम पारो यादव और एक व्यक्ति का नाम सरविंद यादव है। दोनों ही व्यक्तियों का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। पारो यादव के ऊपर लगभग 16 से 17 केस हैं, जिस केस में मुख्यतः हत्या लूटपाट और डकैती के केस हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे अभियुक्त हैं सरविंद यादव, उनके ऊपर भी हत्या और लूटपाट के काफ़ी केस पेंडिंग हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक राइफल बरामद की गई है, 8 कारतूस बरामद किए गए हैं, उसके अलावा जो है कुछ मोबाइल सेट भी वो भी जब्त किए गए। ये कहाँ से सर बरामद हुई थी? ये सारे यहाँ पर पटवाही क्षेत्र, वहाँ पर गुरुपुर मुखिया हैं गोपाल यादव, उनके घर से। गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के लालगढ़ गांव में ग्रामीण दूर से पानी लाकर पीने को विवश है। सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल पक्की नाली गली तो है, लेकिन सिर्फ देखने मात्र के लिए। पानी पीने के लिए पानी सप्लाई टंकी बनकर तैयार है। हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत हर घर तक नल पहुंचाया गया है, लेकिन नल से पानी नहीं आता। पेयजल संकट से ग्रामीणों में त्राहिमाम है। एक बार से मोटर जला पड़ा है, 100 घरों की बस्ती मात्र 2 चापाकल के सहारे चल रही है। हम लोग को पानी लाने पड़ता है दूरी से। यहाँ पर कोई सारी सरकारी चापाकल लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। और कुछ यहाँ पर चापाकल उपाकल नहीं है? कहाँ जाते हैं आप लोग पानी लाने के लिए? गांव के बाहर है, पड़ता है। कितना दूरी पड़ता है यहाँ से? एक आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। क्या नाम हुआ आपका? बबीता कुमारी। घर कहाँ है? लालगढ़। साल भर बच्चे का फॉर्म भराया था, कह रहे थे कि उसे 5,000 रुपया मिलेगा। बहुत हम कहे कि 5,000 रुपया मिलेगा तो ठीक है सर, बाकी मास्टर ने कहा कि नहीं, आधा पैसा मेरा लगेगा, आधा पैसा आपको होगा। पैसा निकाले, पैसा जब निकाले तो आधा पैसा ले लिया वहीं एक अथी बैंक में। कौन लिया, नाम बताओ? लखन। लखन यादव। कौन लिया बताइए? लखन यादव। लखन यादव कौन है? आंगनबाड़ी केंद्र के टीचर हैं। कौन है लखन यादव? कौन है लखन यादव? आंगनबाड़ी का अथी है टीचर है, बच्चे का टीचर है आंगनबाड़ी का। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कमता पंचायत के मुखिया पवन कुमार ने सरकार के हर दिशा निर्देश व गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्रत्येक घर में जाकर मास्क और साबुन का वितरण किया। इस कोरोना संकट काल में खतरे से बचने के लिए पंचायत में ना सिर्फ लगातार फॉगिंग ब्लीचिंग का छिड़काव व सैनिटाइजेशन का कार्य पवन कुमार ने कराया है, बल्कि हर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए साबुन और मास्क का भी वितरण पवन कुमार के द्वारा किया जा रहा है। पंचायत में आप मास्क बांटे? हम पूरे कमता पंचायत में मास्क का वितरण एवं साबुन कर किए हैं। किस उद्देश्य? क्या उद्देश्य है? ये जो कोरोना महामारी है, इसमें सरकार का निर्देश के साथ साथ अपना भी फर्ज है, उसको निर्वहन करते हुए मैंने समस्त वार्ड सदस्य को जो प्रत्येक घर में 4 मास्क कम से कम, इससे तो ज़्यादा ही दिए हैं, और 2 साबुन 10-10 रुपये का है, उसका वितरण किए हैं पूरे पंचायत में। पूरे पंचायत में।
कितना मास्क और कितना साबुन? लगभग 5000 के साबुन मंगवाए हैं, 5000 साबुन का वितरण किए हैं और 40000 के लगभग है मास्क है। क्या नाम है? पवन कुमार, मुख्य कामता पंचायत। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।